आज जल गया। तब आप कहेंगे कृष्ण यही तो होगा, जलते हुए कोयले को उठाने जाओगे तो हाथ तो जलेंगे ही। चलो इस संदर्भ में आप ये कहते हैं, क्या क्रोध के विषय में भी आप यही सब सोचते हैं? सोचना आवश्यक है, क्योंकि क्रोध भी इसी प्रकार है। हम सोचते हैं कि हम इस जलते हुए कोयले को उठाकर किसी की ओर फेंकेंगे, उसकी हानि होगी, किंतु सर्वप्रथम हमारे ही हाथ जल जाते हैं। ये क्रोध सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपके आनंद को छीन लेता है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, आपके अस्तित्व को जला देता है। तो इस क्रोध से सावधान हो और प्रेम से कहे राधे राधे। देखिए इस घास को, कितनी कोमल, कितनी मृदु। यदि इस घास पर चलोगे तो पांव की पीड़ा ही हर जाए, इसमें सो जाओगे तो एक मीठी निद्रा आ जाए, किंतु यदि इसी घास को आप ठीक से नहीं पकड़ोगे ये आपकी उंगलियां भी काट सकती, यही कोमल घास आपको चोट पहुंचा सकती। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा हो उसे चोट पहुंच सकती है, यदि उसको धर्म के पूर्ण स्वरूप, उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में ज्ञान ना हो। इसलिए जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति या अवसर आए, उसके बल के विषय में, उसकी दुर्बलता के विषय में पहले जानकारी प्राप्त कर लें, उसके पश्चात ही निर्णय लें। ऐसा करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे।